नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग तीन साखियों का अर्थ देख चुके हैं। अब हम लोग आगे की साखियों का अध्ययन करेंगे। तो साखी है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष में हो करके, यानी मतभेदों के चलते, मतभेदों में पड़ करके हम सभी लोग अपने आप को भूल गए हैं, ईश्वर को भूल गए हैं। मतभेदों में पड़ करके, पक्ष विपक्ष में पड़ करके, तमाम तरह के मत मतांतर के भेद में पड़ करके हम लोग ईश्वर को भूल गए हैं। निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि संत व्यक्ति जो हैं, चतुर व्यक्ति जो हैं, वही हैं जो बिना इस पक्ष विपक्ष में पड़े निरपक्ष होके, यानी निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करे, वही संत है, वही चतुर है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष में पूरा जग खो गया है, मत मतांतर के चक्कर में, मतभेद के चलते पूरा जग खो गया है, भूल गया है ईश्वर को। लेकिन जो संत व्यक्ति हैं, जो चतुर व्यक्ति हैं, वह निष्पक्ष होकर के, बिना पक्ष विपक्ष में पड़े, बिना किसी मत मतांतर में पड़े, निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करते हैं। और जो निष्पक्ष होकर के, बिना किसी मत मतांतर में पड़े, निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करते हैं, कबीरदास जी के अनुसार वही व्यक्ति संत हैं, वही व्यक्ति सुजान हैं, चतुर हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम करते मर गया, यानी हिंदू अपने पक्ष पर अड़ा रहा, मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर गया, ईश्वर के महत्व को न हिंदू समझ पाया न मुसलमान समझ पाया। वह अपने धर्म को ठीक से समझ नहीं पाए। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, हिंदू राम राम कहते मर गया, मुसलमान खुदा खुदा कहते मर गया, कोई भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाया। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस धर्म के चक्कर में पड़ करके, हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ा और ईश्वर की भक्ति करता रहा, वही जीवित बच गया, यानी उसका जीवन सार्थक हो गया। जो हिंदू मुसलमान के भेद में, राम और खुदा के भेद में पड़ करके लड़ता रह गया, वह मर गया, उसका जीवन बेकार हो गया। लेकिन वह व्यक्ति जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ा, जो न राम के चक्कर में पड़ा ना खुदा के चक्कर में, यानी जो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ गया, धार्मिक मतभेदों में नहीं पड़ा, वही जीवित बच गया, अर्थात तो उसी का जीवन सार्थक हो गया। कहने का आशय ये कि हमें बिना धार्मिक मतभेद में पड़े ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अगली साखी है काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। करें कबीरदास जी कि जब तक व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है, वह काबा और काशी के भेद में पड़ा रहता है, धर्मों के भेद में पड़ा रहता है। लेकिन जब उसको ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ध्यान आ जाता है, तो फिर उसको काबा और काशी में, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं दिखाई देता। उसके हृदय में जो भेद है धर्मों को लेकर के, जो मनभेद हैं, जो मतभेद हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। कब? जब व्यक्ति को ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान आ जाता है। और जब व्यक्ति
इस मतभेदों को भूल जाता है तो वह आनंद पूर्वक ईश्वर की भक्ति का स्वाद चखने लगता है। मोट चूनी भय मैदा भया बैठ कबीरा जिम करेंगे। जिस प्रकार मोटे अनाज को खूब बारीक बारीक पीस दिया जाए तो वह महीन मैदा बन जाता है, महीन आटा बन जाता है और आनंद पूर्वक उसमें फिर किसी तरह का कोई भेद नहीं रह जाता। तो उसी तरह से जब व्यक्ति को ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब उसके हृदय से हर तरह के भेद समाप्त होने लगते हैं, वह आनंद पूर्वक ईश्वर की भक्ति का आनंद लेने लगता है। बैठ कबीरा जिन आनंद से स्वाद ले ले करके ईश्वर की भक्ति का आनंद लेता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके कर्म ऊंचे न हो। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सोने के घड़े में सोने के कलश में शराब भर दिया जाए तो साधु व्यक्ति सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेगा, उसकी बड़ाई नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को मान सम्मान उसके गुणों के कारण मिलता है, उसके जन्म के कारण नहीं। उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता है, उसकी करनी ऊंची होनी चाहिए, उसके कर्म ऊंचे होने चाहिए। ऊंचा कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंचे न होए, यानी ऊंचा कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं होता, आपके कर्म ऊंचे होने चाहिए। जिस प्रकार सोना जो उच्च है लेकिन अगर उसमें शराब भर दिया जाए तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं, तो उसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए। अन्यथा सुरा से भरा शराब से भरा सोने का पात्र भी साधुओं की निंदा ही पाता है। धन्यवाद।